ताइवान कॉन्फ्लिक्ट का आखिर में कारण क्या है? 1945 तक ताइवान को जापानीज ने ऑक्यूपाइड कर रखा था, लेकिन वर्ल्ड वॉर टू हराने के बाद उन्हें ताइवान चाइना को वापस करना पड़ा। उस समय चाइना में चांगकाई शेक नाम के मिलिट्री डिक्टेटर अपनी पार्टी चाइनीज नेशनलिस्ट पार्टी के थ्रू रूल कर रहे थे, लेकिन 1945 में ही चाइना में MAO की चाइनीज कम्युनिटी पार्टी और चांगकाई शेक की चाइनीज नेशनलिस्ट पार्टी के बीच में सिविल वॉर चालू हो जाती है और 1945 में चांगकाई शेक हार जाते हैं, जिसके बाद वो और उनके 12 लेग सपोर्टर्स ताइवान भाग जाते हैं और पूरे वर्ल्ड में ये मैसेज पहुंचाते हैं कि पूरे चाइना के असली लीडर वही हैं। दूसरी तरफ चाइनीज कम्युनिटी पार्टी जिसे सिविल वॉर जीती थी, उनका कहना था कि चाइना इंक्लूडिंग ताइवान उनके अंडर में आता है। 1971 में ही यूनाइटेड नेशंस चाइनीज कम्युनिटी पार्टी को ऑफिशियली चाइना का लीडर मान लेता है और चांगकाई शेक की गवर्नमेंट का रिकॉग्निशन खत्म हो जाता है। इवेंचुअली ताइवान की गवर्नमेंट अपने आप को अनऑफिशियली एक सेपरेट कंट्री मानने लगती है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट का कारण यह है कि मेनलैंड चाइना में बैठी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी आज भी ताइवान को चाइना का हिस्सा मानती है और उसे हासिल करना चाहती है।